कक्षा का साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों आ जाइए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ पे। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? तो बच्चों हम रोज सेम खाना थोड़े खाते हैं, हमारी मम्मी रोज नया नया खाना बनाती है। और जब कोई त्योहार या फिर किसी का जन्मदिन होता है तब तो घर पे बहुत सारी अच्छी चीजें बनती है खाने। क्या आपने कल और आज सेम चीज खाई, एक ही चीज खाई? नहीं ना, हमारी मम्मी रोज नया खाना बनाती है। पर बच्चों ये खाना आता कहाँ से है? तो आइए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम रोज जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है। शुरुआत करते हैं 1.1 फूड वैरायटी की एक्टिविटी नंबर 1 से। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो बच्चों यहाँ पर टेबल 1.1 है, वहां हमें क्या पूछा है? व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं? तो यहाँ आपको क्या करना है बच्चों कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, उनसे पूछिए कि वो दिन में क्या खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं। अगर आपके कोई दोस्त दूसरे राज्य में रहते हैं तो उनसे भी पूछिए कि वह क्या खाते हैं, और हम यहाँ टेबल में लिखेंगे। तो बच्चों याद कीजिए आपने आज क्या खाया, कुछ तो अच्छा ही खाया होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ, जैसे कि मेरा नाम दिव्या और मैंने आज क्या खाया, तो मैंने आज दाल चावल और रोटी खाई है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत अलग अलग प्रकार के खाने हैं। तो अब ये सारा खाना बनता किस चीज से है? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब बच्चों उबले हुए चावल, वो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चे चावल और पानी। बस उसमें चावल को उबालना है पानी में और हमारे पास उबले हुए चावल तैयार हो जाएंगे। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स है कच्चे चावल और पानी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो बच्चों उबले हुए चावल तो काफी इजी है ना, लेकिन अगर आप कढ़ी बना रहे हैं तो आपको कितनी सारी चीजें लगेंगी, जैसे कि नमक, मिर्ची, तेल, काफी सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 पे। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to the list. अब यहाँ बच्चों देखिए table 1.2 है। उसमें label क्या है? Food items and their ingredients. अब यहाँ दो columns हैं। एक food item की यानी खाद्य पदार्थ की और दूसरी ingredients यानी कि उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों की। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे कि अलग अलग खाद्य पदार्थ में कौन सी चीजें यूज की जाती है। जैसे कि आपकी रोटी, रोटी बनाने क्या चाहिए? तो आटा और पानी। फिर आता है दाल, दाल बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल और मसाले। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ये आते कहाँ से है, ये जानने आगे पढ़ते हैं 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स व्हिच गिव अस दीस ग्रेन्स। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट which come from animals। तो बच्चों
कुछ कुछ सामग्रियां ऐसी है जिनके सोर्स हमें पता है, हमें पता है वह कहाँ से आते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां। जब आप अपने गांव जाते हैं तब वहां विविध प्रकार के पेड़ होते हैं और हमारा सबसे फेवरेट होता है आम का पेड़। बच्चों, आम कहाँ से आते हैं? प्लांट से। और दूध, अंडे, मीट, ये सब आता है जानवरों से। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे, एक्टिविटी 3 की ओर। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड एड मोर एग्जाम्पल्स टू द लिस्ट। तो अब बच्चों, पेज के राइट हैंड साइड पे टेबल 1.3 है, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट कॉलम है फूड आइटम, दूसरा है इंग्रेडिएंट्स और तीसरा है सोर्सेस। तो बच्चों, इडली बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और पानी। अब राइस कहाँ से आता है? प्लांट। और उड़द दाल भी प्लांट से। नमक आता है पानी से, और पानी रिवर से या नदी से। चिकन करी में यूज होता है चिकन, मसाले, तेल या घी और पानी। चिकन आता है एनिमल से, जानवर से। मसाले आते हैं प्लांट्स से। ऑयल और घी आता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से, और पानी आता है नदियों से। खीर में यूज होता है दूध, चावल और शक्कर। दूध आता है जानवरों से, चावल प्लांट से, और शुगर भी आता है प्लांट से, गन्ने से शक्कर बनती है। अब आते हैं पेज नंबर 3 पर। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउस, गोट्स एंड बफेलोस आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो बच्चों, एक्टिविटी 3 से हमें यह समझ में आता है कि ग्रेन्स, सीरियल्स, सब्जियां, फल, ये सब आता है पौधों से, और जानवरों से हमें मिलता है दूध, अंडे, मीट वगैरह। गाय, बकरी और भैंसे, यह हमें दूध देती है, और दूध से बटर, मक्खन, मलाई, चीज, दही, यह सब मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनके अलावा ऐसा कौन सा जानवर है जो हमें दूध देता है? बच्चों, कैमल यानी कि ऊंट भी हमें दूध देता है। यह तो आपने नई बात सुनी होगी ना? दुबई जैसे देशों में गाय भैंस का दूध नहीं होता, वहां ऊंट का दूध पिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 1.3, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। बच्चों, हमें यह तो पता है कि पौधों से हमें फूड मिलता है, हमें खाने के लिए चीजें मिलती है, परंतु प्लांट का कौन सा पार्ट, पौधे के कौन से पार्ट से हमें फूड मिलता है? तो हमें अलग अलग पौधों के अलग अलग पार्ट से फूड मिलता है। जैसे कि बच्चों, आलू। तो आलू कहाँ से आता है? आलू स्टेम से आता है, अंडरग्राउंड स्टेम। आपने कभी भी कद्दू के फूल के भजिए खाए हैं? नहीं ना? कभी ट्राई करना, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। बच्चों, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा भागों को हम खा सकते हैं, वे एडिबल होते हैं। जैसे कि सरसों। सरसों के जो पत्ते होते हैं उसका साग बनता है, और उसके जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, उसे राय कहा जाता है, और वह तड़का लगाने में काम आते हैं। आपके घर दाल चावल में जो तड़का लगता है, जो झोंक लगती है, उसमें छोटे छोटे काले दाने होते हैं बच्चों,
उसे राई कहा जाता है जो सरसों के पौधों से मिलते हैं। अब बच्चों ये सोचिए कि केले के पेड़ से हम केले के अलावा और क्या खा सकते हैं। तो बच्चों सरप्राइजिंगली केले के पेड़ का हर एक पार्ट हम खा सकते हैं, उसकी डंडियां, उसके पत्ते, उसके रूट्स, उसकी जड़ें, सब कुछ एडिबल है, सब खाया जा सकता है। जो ऐसे अनेक प्लांट्स होते हैं, अनेक पौधे होते हैं जिनके विविध पार्ट आप खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टेबल 1.4, प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो हम बच्चों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें दिया है फर्स्ट कॉलम में फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, सेकेंड कॉलम में है इंग्रेडिएंट्स और थर्ड कॉलम प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो दोस्तों बैंगन का भरता जब बनता है, ब्रिंजल करी बनती है, उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं? उसमें हमें बैंगन चाहिए, मसाले और तेल। तो बैंगन कहाँ से आता है? प्लांट के कौन से पार्ट से आता है? प्लांट के फ्रूट से आता है, उसका जो फल होता है वो बैंगन होता है। और मिर्ची यानी मसाले, वो प्लांट के कौन से पार्ट से आते हैं? वो भी फ्रूट पार्ट से आते हैं। और तेल होता है जो, वह हमें मिलता है सीड्स से। जो प्लांट के सीड्स होते हैं जैसे कि राई, उसको जब क्रश करते हैं तब उसमें से तेल निकलता है जिसे हम खाना बनाने में यूज करते हैं। तो बच्चों इसी तरह वो एक्टिविटी टेबल फिल करना है, अलग अलग डिशेस जो बनती हैं, अलग अलग खाने के व्यंजन जो बनते हैं, उनमें कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है और वो प्लांट के कौन से पार्ट से आती है। अब आते हैं पेज नंबर 4 पर। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें कभी नहीं भूलनी, यहाँ लिखा है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। हमें यह ध्यान देना है कि हम हमारे आसपास में किसी भी पेड़ के पत्ते को चखने की कोशिश ना करें ये देखने कि वो खाने लायक है या नहीं, क्योंकि कुछ पत्ते जहरीले हो सकते हैं। तो बच्चों यह गलती कभी भी ना करना। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 पर। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। व्हिच पार्ट ऑफ अ प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो बच्चों ये एक्टिविटी हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की एक्टिविटी 5 पर। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? बच्चों यहाँ हमें कहा गया है कि हमें मूंग या चने की दाल लेकर रात भर भिगोनी है और फिर अगले दिन उसका पानी निकालकर उसे एक कपड़े में लपेट कर रखना है। तो ये जब हम कपड़े में लपेट के रखें, उसके बाद अगले दिन जब हम वह मूंग के दाने देखें तो उनमें हमें कुछ फर्क दिखेगा क्या? आइए आगे पढ़कर जानते हैं। अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, they can also be boiled and some spices and get a tasty snack to eat. Do you know where honey comes from or how it is produced? तो बच्चों जब हम अगले दिन वह मूंग या चने के दाने देखेंगे तो उनमें छोटे छोटे सफेद स्प्राउट्स आएंगे, मूंग के रूट्स निकल आएंगे जो एकदम छोटे छोटे सफेद से होते हैं। अगर यह रूट्स ना आए हो तो उन दानों को फिर से भिगोकर हम कपड़े में रखकर सुखाने रखेंगे। बच्चों ये जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वह बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, उन्हें आप उबाल कर या फिर उनमें कुछ मसाले डालकर खा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि शहद कहाँ से आता है, क्या आपको पता है वह कैसे बनता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Refer figure 1.7. यहाँ हमें कहा गया है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मीठा रस लेती है जिसे हम नेक्टर भी कहते हैं। वह यह नेक्टर लेकर अपने छत्ते की तरफ जाती है और वहाँ इस नेक्टर से, इस मीठे रस से वह शहद बनाती है।
बच्चों जब आप गांव गए होंगे तब आपने देखा होगा कि कई सारे पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते रहते हैं। लेकिन बच्चों कभी इन्हें परेशान ना करना वरना ये पीछे पड़ जाएंगी तुम्हारे। यहाँ फिगर 1.7 जो है पेज 4 के राइट हैंड साइड पे जो सेकेंड फिगर है वहां मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज ऑल थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। बच्चों जो फूल होते हैं उनमें वह मीठा रस पूरे साल उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मधुमक्खियां वह रस लेकर अपने छत्तों में भर देती हैं ताकि उन्हें पूरे साल अन्न मिले। मधुमक्खियों का अन्न होता है शहद, और हम हमारे उपयोगों के लिए मधुमक्खी का छत्ता तोड़कर उसमें से शहद इकट्ठा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट। बच्चों यहाँ तो हमने देखा कि हम क्या खाते हैं, इंसान क्या खाते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जानवर क्या खाते हैं और उन्हें उनका खाना कहाँ से मिलता है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफलो और अ गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। बच्चों अगर आपके घर पे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता या फिर बिल्ली है तो आपको पता होगा कि वह हमारे जैसा खाना नहीं खाते, उनका अन्न थोड़ा हमसे अलग होता है। बच्चों वे खाते क्या है? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को देखा है जो राजमा चावल खा रही हो? नहीं ना, बिल्लियां अधिकतर दूध पीती है और कभी कभार रोटियां भी खाती है। अब बाकी के जानवरों का क्या? क्या आपने देखा है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली और सारे छोटे छोटे कीड़े वह अपने आहार में क्या खाते होंगे? बच्चों यह जानने आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 पर। यहाँ लिखा है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। बच्चों यहाँ टेबल दिया गया है पेज नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर। वहां लिखा है कि जानवर का नाम और वह जानवर क्या खाते हैं अपने आहार में। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला कॉलम है जहाँ जानवर का नाम है वहां लिखा है बफेलो यानी कि भैंस, और दूसरे कॉलम में लिखा है फूड द एनिमल ईट्स यानी कि वह जानवर क्या खाता है। तो बच्चों भैंस सबसे अधिक क्या आहार खाती है? तो वह खाते हैं घास, सूखी हुई घास और अनाज। अगला नाम है बिल्ली। तो बच्चों बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली छोटे छोटे जानवरों को खाती है, कुछ कुछ पक्षियों को भी खाती है और दूध पीती है। अब आगे बढ़ते हैं रैट, रैट यानी चूहा। बच्चों आपने देखा होगा कि घर में कभी कभी इधर उधर भागते रहते हैं छोटे छोटे चूहे, लेकिन क्या आपने कभी देखा है वह खाते क्या है? तो बच्चों चूहे सड़ी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। हमारे जो सब्जियों के छिलके होते हैं वह उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अब आता है लायन यानी कि सिंह। तो बच्चों जरा सोचिए सिंह क्या खाते हैं? यह तो हमें पता है, वे दूसरे जानवरों का शिकार करके उन जानवरों को अपना आहार बनाते हैं। आपने वह मूवी तो देखी होगी द लायन किंग, उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार एक सिंह दूसरे जानवर का शिकार करके उसे खा जाता है। फिर आता है टाइगर यानी कि शेर। तो बच्चों शेर क्या खाते होंगे जरा सोचिए। क्या आपने द जंगल बुक देखी है? उसमें एक शेर था जिसको शेरा कहा गया था, तो वह शेरा किस चीज का शिकार कर रहा था? मोगली का। इसी प्रकार शेर भी दूसरे प्राणियों का शिकार करके उन्हें अपना आहार बनाते हैं। अब आता है स्पाइडर यानी कि मकड़ियां। बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ पुराने घरों में जब बहुत दिनों तक साफ सफाई नहीं होती तो वहां मकड़ी के जाले बन जाते हैं और उनमें छोटी छोटी मकड़ियां होती हैं। बच्चों कभी आपने गिना है कि मकड़ियों के पैर कितने होते हैं? अब अगली बार जब आपको मकड़ी दिखे तब जरूर गिन लेना। तो बच्चों मकड़ियां क्या खाती है? तो वे दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। फिर आती है गाय यानी कि काव। तो बच्चों
गाय माता क्या खाती है? वे घास खाती है और कभी कभी हम उन्हें रोटी के लड्डू भी खिलाते हैं। फिर आते हैं ह्यूमन बींग्स यानी कि हम। तो बच्चों सोचिए आप क्या खाना खाते हैं और यह भी सोचिए कि आज आपने खाने में क्या खाया। अगला नाम है बटरफ्लाई यानी कि तितलियां। तो बच्चों तितलियां क्या खाती है? क्या आपने देखी है वो छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियां? वे खाती है फूलों से मीठा रस। जिस प्रकार मधुमक्खियां भी खाती है उसी प्रकार तितलियां भी फूलों से मीठा रस लेती है। तो तितलियों का आहार है नेक्टर। बच्चों यह था एक्टिविटी नंबर 6 आपके चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 एक्टिविटी नंबर 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोस। प्लेस एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। देयर आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स। प्लेस दीज इन ग्रुप 2। These animals are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivores. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown. तो बच्चों यहाँ हमें कहा गया है कि हमें प्राणियों को 3 समूह में बांटना है। सबसे पहला समूह ऐसा जिनमें ऐसे प्राणी हो जो सिर्फ पौधे या पौधों के उत्पादन खाते हैं। ऐसे जानवरों को हम फल आहारी या हर्बीवोर्स कहते हैं। दूसरे समूह में ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को अपना आहार बनाते हैं। इन्हें हम कार्निवोर्स या फिर मांस आहारी जानवर कहते हैं। और तीसरा समूह ऐसा है जिसमें जो जानवर है वे फल और मांस दोनों खाते हैं। ऐसे जानवरों को हम कहेंगे ओमनिवोर्स या सर्व आहारी। टेबल 1.6 में हमें 3 भाग दिए हैं। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स। हमें टेबल 1.5 में दिए गए जानवरों को इन 3 समूहों में बांटना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहला है भैंस बफेलो। तो बच्चों भैंस क्या खाती है? वे घास और अनाज खाती है। तो यह सारी चीजें हमें पौधों से प्राप्त होती है, इसलिए हम भैंस को हर्बीवोर कहेंगे। फिर आती है बिल्ली। बच्चों बिल्लियां क्या खाती है? वे छोटे जानवर कुछ पक्षियां को खाती है और दूध भी पीती है। तो हम उन्हें कार्निवोर्स में रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पहेली का एक सवाल है। पहेली वॉन्ट्स टू नो Where you would place human beings while filling table 1.6? बच्चों यह टेबल बनाते टाइम आप इंसानों को कौन से समूह में डालेंगे? तो बच्चों इंसान ओमनिवोर्स होते हैं। वे फल भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, इसलिए उन्हें सर्व आहारी कहा जाता है। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. बच्चों हमें पता है कि हमारे बीच काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं मिलता। हमें नए तरीके ढूंढने होंगे जिससे हमारे देश में अधिक अनाज का उत्पादन हो सके। सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, हमें नए रास्ते भी ढूंढने होंगे जिससे हमें इस बात की गारंटी मिल जाए कि हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार अनाज और आहार मिलेगा। तो यह था आपका चैप्टर 1। अब हमें यहाँ रंग बिरंगी कलर्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। आइए हर एक शब्द का मतलब जानते हैं। सबसे पहला है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री। दूसरा आता है एडिबल। एडिबल यानी कि ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को हम एडिबल चीज कह सकते हैं। तीसरा है नेक्टर यानी कि फूलों का मधु या फूलों का रस। चौथा है स्प्राउटेड सीड्स
यानी कि अंकुरित बीज। अगला शब्द है हर्बीवोर। हर्बीवोर यानी फल आहारी। अगला शब्द है कार्निवोर। कार्निवोर यानी मांसाहारी। और आखिर में आता है ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब है सर्व आहारी। समरी, देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। द मेन सोर्सेज ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बिवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा विभिन्नता होती है। हमारे आहार के सबसे मेन स्रोत पौधे और जानवर है। जानवर जो दूसरे पौधों को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। और ऐसे जानवर जो पौधे और दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइजेस से। पहला सवाल है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? इसका जवाब आपको पेज नंबर 4 और 5 पढ़कर मिल जाएगा। दूसरा सवाल है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। यहाँ हम 5 ऐसे पौधों के नाम लिखेंगे जिनके अलग अलग हिस्से हम हमारे आहार में यूज करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। बच्चों, कॉलम ए में हमें कुछ नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें कॉलम बी में दिए गए शब्दों से जोड़ने हैं। जैसे कि पहला है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। तो बच्चों, यह सारे पदार्थ हमें जानवरों से मिलते हैं, इसलिए ये एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो हम इसे पार्ट बी के आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स से जोड़ेंगे। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। चौथा सवाल है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें वह शब्द का प्रयोग करके वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो बच्चों, हम शेर को क्या कहते हैं? हम उसे कार्निवोर कहते हैं क्योंकि वह मांसाहारी है। तो रिक्त स्थान में लिख दीजिए कार्निवोर। अगला है, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डैश। बच्चों, हिरण हमेशा पौधों से उत्पादन की हुई चीजें खाता है, तो हम इसे कहेंगे हर्बीवोर। तो रिक्त स्थान में लिख दीजिए हर्बीवोर। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। बच्चों, हमें यह पता है कि तोता एक हर्बीवोर है, इसलिए वे पौधे खाता है या पौधों से उत्पादन की हुई चीजें खाता है, इसलिए रिक्त स्थान में लिख दीजिए प्लांट। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें गाय, भैंस और बकरी से मिलती है और हम उसे रोज पीते हैं? तो वह है दूध, इसलिए आप रिक्त स्थान में लिख दीजिए मिल्क। वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? हमें वह गन्ने से मिलती है, इसलिए हम रिक्त स्थान में लिख देंगे शुगर केन। थिंग्स टू थिंक अबाउट। डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट? इफ नॉट, व्हाई? व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड? अब बच्चों, यहाँ दो चीजें हैं जो हमें सोचनी है। पहली ये कि क्या आपके आसपास हर एक इंसान को उसकी आवश्यकता अनुसार भोजन मिल जाता है? क्या उसको जितनी जरूरत है उतना खाना उसको मिल जाता है? और अगर नहीं मिलता तो ऐसा क्यों है कि उसे नहीं मिल पाता? दूसरी बात बच्चों, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अन्न का बिगाड़ रोक सकते हैं? फूड वेस्टेज कैसे रोका जाएगा? सोचिए और यहाँ लिख दीजिए। इसी के साथ आपके 6th क्लास का साइंस चैप्टर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले